इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गया बिहार से। आपको बता दें कि कोडरमा में गया रेल लाइन पर बड़ा हादसा हो गया है। कोयला नदी मालगाड़ी के 53 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में गया कोडरमा रूट पर गुरपा स्टेशन के पास बुधवार सुबह कोयले से लदी मालगाड़ी ब्रेक फेल होने की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे की वजह से मालगाड़ी के 58 में से 53 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा की वजह से रूट पर ट्रेनों का परिचालन बाधित है। वहीं रेलवे का अमला घटना स्थल पर पहुंचकर मरम्मत कार्य में जुट गया है। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग टाउन से मालगाड़ी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन दादरी जा रही थी, जिसमें कोयला लदा हुआ था। गड़जंडी गुरपा घाटी सेक्शन के दिलवा स्टेशन के पास ब्रेक फेल हो गया। लॉस ऑफ कंट्रोल की वजह से मालगाड़ी गुरपा होम सिग्नल पार करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दौरान इंजन से पीछे एक वैगन का कपलिंग टूट जाने से मालगाड़ी दो भागों में बट गई। एक वैगन को लेकर इंजन घसीटते हुए करीब 500 मीटर दूर जाकर आरपीएफ बैरक के पास रुक गया। बाकी के टकराकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। दुर्घटना की वजह से इतनी भीषण आवाज हुई कि करीब 4-5 किलोमीटर क्षेत्र के लोग सहम गए और घटना स्थल की ओर दौड़ भागे। हादसे के करीब 3 घंटे बाद जेसीबी मशीन मौके पर पहुंचे और मलबा को हटाने का काम शुरू कर दिया गया। हादसे की वजह से अप लाइन का ट्रैक उखड़ गई। वहीं बिजली के कई खंभे और सेक्शन तार क्षतिग्रस्त हो गए। कोयले का मलबा तीनों रेलवे ट्रैक पर फैल गया। मलबा हटाने में करीब 20 घंटे लगने की आशंका जताई जा रही है। तब तक रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप रहेगी।